सबसे पहले कि आप झूठ में जी रहे हो, यहाँ से ही सारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो अपने बारे में ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, काम सत्य को जान के होगा। अब खुद का होना वो जानना बहुत जरूरी है, और जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मन दीवाले पैदा कर, हमारी जो मान्यता है वो दीवाले पैदा कर। अगर आप शरीर मन और भावनाओं की प्रकृति से पार आ गए, उसको जान लिया, तो आपकी जिंदगी आप जो चाहे वैसे बना सकते हो। तब सवाल ये उठता है कि शरीर मन और भावनाओं को कैसे जाना जाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए तीन चीजें बताने वाला हूँ। तीन चीजें क्या है? पूरे दिन में क्या अनुभव करते हो आप? शरीर अनुभव, आप विचार अनुभव करते हो, आप भावनाएं अनुभव करते हो। अगर आप शरीर मन और भावनाओं की प्रकृति से पार आ गए, उसको जान लिया, तो आपकी जिंदगी आप जो चाहे वैसे बना सकते हो। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी काम करते हो तो उसके लिए क्या शरीर लगता है? आप कुछ भी सोच रहे हो, मन लगता है, और फीलिंग के लिए भावनाएं होती है। आप पूरे दिन में शरीर को फील करते हो, मन को फील करते हो, और भावनाओं को फील करते हो। उससे ज्यादा आप क्या कर? कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यही चीज है, यही सच्चाई है, पर ये शरीर मन और भावनाएं आप नहीं। इंसान सबसे बड़ा झूठ उसी में जी रहा है कि वो शरीर मन और भावनाओं को मैं समझ रहा है। विचार आते हैं उसको मैं समझ रहा है, भावनाएं उठती है उसको मैं समझ, वो शरीर के अंदर बीमारी आते हैं उसको मैं समझ, पर वो मैं नहीं है। वो शरीर और मन भावनाओं की प्रकृति है, जिसको आप मैं समझ बैठे, और यहाँ से ही सारे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जिन भी चीजों को आप मैं समझ लेते हैं, वो आपकी लाइफ में अपनी प्रकृति लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल से आपने अपने आप को जोड़ लिया कि वाह कितना सुंदर मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। जैसे ही आपने मोबाइल से अपना कनेक्शन जोड़ा, मोबाइल आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनेगा। मोबाइल अच्छा चलेगा, आपको खुशी होगी, मोबाइल खराब चलेगा, आपको दुख होगा। शरीर अच्छा चल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, वाह क्या स्मार्ट हूँ मैं, सिक्स पैक निकला है। जिस शरीर से आपकी खूबसूरती, आपकी जिंदगी, आपका सर्वाइवल जुड़ा था, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप दुखी हो जाते हो। सबसे पहले कि आप झूठ में जी रहे हो कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे ख्याल है, ये मेरी भावना है। नहीं है, ये शरीर मन और भावनाएं आपको केवल और केवल इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है। ये आप नहीं हो, आप फील कर पा रहे हो, आपकी भावनाएं लगातार बदल रही है, वो लगातार होने वाले बदलाव ही आपको आपके अस्तित्व का एहसास दिलाता है। अदरवाइज सब कुछ स्थिर है, तो आप हो नहीं हो उसका आपको एहसास ही नहीं रहेगा, उसको आप समझ ही नहीं पाओगे आप हो के नहीं। तो अपने बारे में ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। अमेरिका में क्या चल रहा है, पृथ्वी कितने घंटे में सूरज के चक्कर काट रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन काम चलाओ जिंदगी के लिए जरूरी है, पर वो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है। उससे कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, उससे कुछ काम नहीं हो पाएगा। काम सत्य को जान के होगा, अपने शरीर और मन की प्रकृति से डिस्टेंस करके होगा। और जानना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको कोई 100 200 किताबें या दुनिया भर की लाइब्रेरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपने मन और शरीर की प्रकृति और भावनाओं की प्रकृति को समझने की जरूरत है, और इसके लिए किसी और को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर देखें क्या चल रहा है, जो चीजें हो रही है वो आपके अंदर ही हो रही है। आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए और देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर वही चल रहा होगा जो आपने भूतकाल में किया है, आपके अंदर वही चल रहा होगा जो भूतकाल में आपके साथ हुआ है, और आपके अंदर वही चल रहा होगा जो सोचने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, और जो आप लगातार सोचते रहते हो, जो आपने पैटर्न सेट किए, जो आपने एक अपनी प्रकृति बनाई हुई है कि मैं इसी तरीके से सोचूंगा, मैं मुझे यही सही लगता है, यही मैं मानता हूँ, जो आपने मान्यताएं बनाई उसी के हिसाब से आप लगातार चल रहे हैं। आप आंखें बंद के बैठ जाइए, आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं सोचना है, देखिए ख्याल आ रहे हैं, सांसों का रिदम चेंज हो रहा है कि, और ये सब क्या आप कर रहे हो? ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें आप क्या कर? आपकी शरीर की प्रकृति कर रही है, अलग अलग किस्म के ख्याल आ रहे हैं, आपकी मन की प्रकृति कर रही है। और जब आप जान लेते हो कि आप कुछ नहीं करते हो, तब शरीर और उन भावनाओं से एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, एक अंतर क्रिएट होता है। वो अंतर जैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है, मन और भावनाओं का बेहतरीन यूज कर सकते, और जैसे ही आपने उसका बेहतरीन यूज करना सीख लिया, आपके जीवन में क्रांति हो जाती है।
ये बहुत जरूरी है। आप दुनिया में किसी भी इंसान को यूज नहीं कर रहे, आप अपने शरीर मन भावनाओं को यूज कर रहे, किसी भी चीज को यूज नहीं कर रहे, आप शरीर मन और भावनाओं को यूज कर रहे। तो शरीर और मन का यूज किया जा सकता है, वो जैसा भी, जैसे ही आप उसकी प्रकृति जान लेते हो आपको यूज करना आ जाता है उसका। बस मन दीवाले पैदा करता है, हमारी जो मान्यता है वो दीवाले पैदा करती है। आप इतनी बात समझ लीजिए कि आप पूर्ण ही पैदा हुए, पर उस कंडीशन में आपको अपने मन शरीर और भावनाओं का मालिक बनना पड़ेगा, आप उसके गुलाम बन के नहीं जी सकते। अगर आप उसके मालिक नहीं बनोगे तो उसकी खुद की प्रकृति है, वो उसके हिसाब से चलेगा। ये करना सही है, वो करना गलत है, यही अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं, वो सोचना गलत है। पर जब समझदारी आ जाती है, जब ज्ञान आ जाता है, तब पता चल जाता है कि मुझे कैसे जीना है, कहाँ किन लोगों के बीच में रहना है, क्या काम करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या फील करना है। ये सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती है जब आप ये तीन चीजों को जान लेते हो कि ये तीन चीजें मैं नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीर मन और भावनाओं को कैसे जाना जाए, आपको ध्यान की गहराई में। ध्यान शब्द आते ही ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान जैसे कोई बड़ी इम्पॉसिबल चीज हो गई, पर ध्यान कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं। और ध्यान में करना कुछ नहीं होता है, खाना बनाने के लिए तो खाना बनाना पड़ता है, एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कोई भी काम होता है जो शरीर और उससे करना पड़ता है, वहां पर ऊर्जा खर्च होती है, थकान होती है। पर ध्यान से आसान कुछ नहीं है, बस कोई टाइम चूज कर लीजिए, कुछ मिनटे चूज कर लीजिए कि मैं इतने मिनट आंखें बंद करके एक जगह पे स्थिर बैठ जाऊंगा, मैं शरीर में जो हो रहा है, मन में जो हो रहा है, जो भावनाएं जैसी भी हो रही, मैं इनको केवल और केवल एक दर्शक के रूप में देखता रहूं। बस दिन के दौरान कुछ मिनट चूज कर लीजिए, अगर बहुत कठिन लग रहा है तो 5 मिनट, फिर धीरे धीरे करके बढ़े, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम बढ़ाई। पर ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठना बहुत जरूरी, खुद का होना वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने खुद की प्रकृति जान ली कि खुद की प्रकृति हमेशा हर पल खुश होने की है, वैसे ही आपके सारी चिंताएं, आपके सारे विघ्न चले जाएंगे, आप अपने आप से मिलोगे, आप शरीर मन और भावनाएं नहीं रह जाओगे। पूरे दिन में जब कभी भी आपको वक्त मिले, पर हो सके तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम चूज कर लेना कि उसी टाइम पे आप ध्यान करने के लिए बैठो, उससे आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आए। तो दिन में 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, पर 5 मिनट आंखें बंद करके पूरी तरह ध्यान में बैठ। बस आज यही चीज आपको बतानी थी जो आपकी जिंदगी को और दुनिया को बेहतर